हेलो और सगैस वेलकम बैक हो चुका है आप सबके यार मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वापस आ चुके हैं अपने फेक मिसल के अंदर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वापसी मनी ट्रिक्स, जो कि मैंने आपको यार पिछली बार पार्ट वन दिया था। तो मैंने बोला था यार कि पार्ट थ्री तक आपको पूरा ट्रिक मैं बता दूंगा, तो लेकिन यार मैंने सोचा कि इतने वेट कराना अच्छा बात नहीं है, तो यहाँ पर यार मैं आपको पार्ट टू ही तक मैं सब बता दूंगा। लेकिन यार इसके बाद मेरे पास कोई टॉपिक वगैरह बचने वाला नहीं है यार, तो आप मेरे को टॉपिक दे देना यार आज की वीडियो के अंदर कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यार ऑप्शन में जो हमने पिछली बार लगाया था वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर से जैसा कि देख सकते हो सारे के सारे ऑप्शन बिक चुके हैं, और इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ यार मेरे को 750 के कॉइंस मिल गया। तो यार मैं चाहता था इसको मैं दिन में दो बार भी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो पैसे हम लोग आज इसी से करने वाले। तो सबसे पहला जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो होने वाला है क्या बोलते हैं उसको यार टैलिस्मैन से, सॉरी हाँ टैलिस्मैन से एसेसरी बैग में। जो टैलिस्मैन होते हैं इनको क्राफ्ट करके बेचना है हमें बैंक के मतलब कि यार ऑक्शन हाउस के अंदर, और इसको हम लोगों को यार हाई प्राइस पे बेचना है। लाइक जॉम्बी रिंग का मैं आपको रेसिपी दिखा देता हूँ, जो कि स्लेयर टू करने पे मिलता है आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पर से आपको जॉम्बी रिंग एंड स्पाइडर रिंग मेरा अनलॉक होगा वैसे तो देखा जाए तो। स्पाइडर रिंग हाँ यार देख लो 32 वन स्टैक एंड स्पाइडर टैलिस्मैन आपको यहीं पर से मिल जाएगा। तो एक स्पाइडर टैलिस्मैन और 32 यानी कि वन स्टैक। तो कॉम्बैट पे आ जाओ और यहाँ पर से ट्रेंटूला, और इसको बस यार वन स्टैक परचेस कर लो। तो देखो यार इतने सस्ते में आपका भी यहाँ पर एक टैलिस्मैन बनने वाला है, लिटरली इतने सस्ते में नहीं बना होगा कभी। तो ये देख लो भाई यार बस बन गया, और इसका प्राइस भी यार 10K के नीचे ही है, समझो 10K के नीचे। और अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर से आकर के एक जॉम्बी रिंग बाय करना है, जॉम्बी टैलिस्मैन, और इसका भी आपको रिंग बनाना पड़ेगा आई थिंक सो। रिंग ऐसे ही बनता है इसका भी, तो इसके लिए भी रेवेलेंट फ्लैश ले लेते हैं और वन स्टैक। तो यार अभी इसको बस इस तरीके से रखना है, और 32 इधर 32 इधर, और जॉम्बी का ये बीच में आ गया, तो जॉम्बी रिंग रेडी है। तो अभी मैं आपको इसका प्राइस दिखा देता हूँ, चलिए यार इसका प्राइस दिखाते हैं ऑक्शन हाउस के अंदर यार ये कितना किस रेट का बिक रहा है। तो सबसे पहले यार मैं इसको क्या करता हूँ सर्च कर लेता हूँ रिंग, जिससे क्या होगा यार आसानी होगा जितने टाइप के रिंग से पता चल जाएगा। तो देख लो यार यहाँ पर कुछ इतने रिंग है, तो ये देखो यार स्पाइडर रिंग स्टार्ट हो रहा है 400 के से, जबकि कितना सस्ता है ये आप खुद देखो यार, स्पाइडर रिंग 400K के लोग बेच रहे हैं, और यहाँ पर ये अभी कोई बेच नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा बिक जाने वाला है जैसे ही हम इसको ऑक्शन में लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल आना है, क्रिएट ऑप्शन पे आना है, क्रिएट ऑप्शन करना है, जॉम्बी रिंग डालना है, और इसका प्राइस कर देना है आपको। तो जॉम्बी रिंग का प्राइस मैं कर देता हूँ 300K, आराम से बिक जाएगा यार 300K में आराम से बिक जाएगा, 6 आवर्स के लिए नहीं 24 आवर्स के लिए, और बिन ऑप्शन होगा हाँ यस कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको वापस से आना ऑक्शन पे, फिर यहाँ पर आपको अपना स्पाइडर रिंग लगा देना है, और स्पाइडर रिंग का प्राइस आपको रखना है 350K। और ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि 400K में ऑलरेडी किसी ने लगा रखा है, तो आप ऐसा मत करना, ट्राई भी मत करना। तो अभी यहाँ पर से इसको भी इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पर अभी हमारा दो चीज़ तो हो चुका है जो कि मैंने आपको बताया, इसी तरीके से यार यहाँ पर और भी टैलिस्मैन होते हैं, अगर आप रेसिपी बुक चेक करोगे तो ज़्यादातर टैलिस्मैन आपको इससे भी देखने को मिल सकते हैं। यार यहाँ पर भी बहुत टाइप की चीज़ें आपको मिल सकती है, पफरफिश हैट ये सब चीज़ों को भी ऑक्शन में लगा सकते हो। मेनली टैलिस्मैन आई थिंक आपको स्लेयर से ज़्यादा मिलता है, तो चेक कर लेते हैं यार एक बार। तो यहाँ पर सोलफ्लो पाइल ये देख लो भाई, ये भी एक तरीके का वही चीज़ है, और ये भी अच्छे खासे महंगे में बिक जाएगा। और इसके बाद आप चेक करोगे ट्रेंटूला ब्लड फादर में, तो स्पाइडर रिंग हो गया यार यहाँ पर, फिर सेवन पैक मास्टर में अगर आप चेक करोगे तो रेड कलर टैलिस्मैन, चूँकि ये भी बहुत ही सस्ते में बन जाता है और आराम से बन जाएगा यार। उसके बाद रेवेनेंट के अंदर भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे जॉम्बी रिंग हो गया, उसके बाद डेवर रिंग हो गया ये जो देख रहे हो, और नहीं यार ये स्लेयर पैक है, और नहीं है बस दो होता है। उसके बाद यहाँ पर से आपको काना है माइनिंग, तो माइनिंग के अंदर भी आप कलेक्शन के अंदर भी आपको बहुत सारे टैलिस्मैन मिल जाएगा,
उसी हिसाब से यार आपको प्राइस रखना है, दूसरों का प्राइस चेक करके देखना है कि अगर कहीं वो लोग ज़्यादा तो नहीं है आपसे, अगर वो लोग ज़्यादा है तो आपको अपना प्राइस कम करना है और आपको उन्हीं चीज़ों को देना है, मतलब कि यार उन्हीं चीज़ों का करना है जो जिसका प्राइस कम हो। तो एक ट्रेड रिक्वेस्ट भेज रखो यार, क्या बात है। लेट्स सी ज़ॉम्बी नाइट चेस्ट प्लेट, यार मैं इसका क्या करूँगा, तो मेरे को तो चाहिए नहीं भाई, तो यार कैंसिल करता है, मेरे को नहीं चाहिए भाई। तो अभी यहाँ पर से मैंने आपको जैसे ट्रिक बताया, अभी मैं आपको इससे मैं आपको मिलियंस कैसे कमा सकते हैं टैलिस्मैन से, एक टैलिस्मैन से। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सुबह में आना है, हाँ यार सुबह में आना है या तो फिर आप किसी भी टाइम हो, और यहाँ पर से जो डार्क ऑक्शन होता है आपको उसको ज्वाइन करना है, और डार्क ऑक्शन आप जैसे ही ज्वाइन करोगे उसके बाद वहाँ पर कुछ टैलिस आर्टिफैक्ट आते हैं, टैलिस्मैन्स वहाँ टैलिस्मैन्स होते हैं लेकिन उसको उसका नाम होता है आर्टिफैक्ट। तो आपको उसको बिट करना है, अगर एक चीज़ आपको 300K तक बिट करना है, अगर उससे कोई आपसे ज़्यादा कोई बिट कर देता है तो फिर आप छोड़ दो, रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि 300K से कोई ज़्यादा उस टैलिस्मैन पर बिट नहीं कर सके, क्योंकि यार उन आर्टिफैक्ट का प्राइस बाज़ार के अंदर 2 मिलियन है, लिटरली गाइस 2 मिलियन है। तो मैंने यार खुद यहाँ पर से 200K का एक बाय किया था, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये नेदर आर्टिफैक्ट यार मैंने 200K का बाय किया था डार्क ऑक्शन से, लेकिन इसको मैंने सेल नहीं किया, तो मैं आपको इसका प्राइस दिखा देता हूँ। नेदर यार मैंने तो लिखा ही नहीं, नेदर, तो ये चेक करो यार, नेदर आर्टिफैक्ट का हाईएस्ट प्राइस जो है यार 3 मिलियन तक है, लेकिन अगर कोई पर्सन यार 1 मिलियन का, हाँ यार 1 मिलियन का सेल कर रहा है, तो आप 800 का भी सेल कर सकते हो, तो यानी कि यार अगर आप 300K का बाय करते हो और आप 1 मिलियन का सेल करते हो तो आपको यहाँ पर से भी 700K का प्रॉफिट है। और अगर कोई यार यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस 2 मिलियन में सेल कर रहा है तो फिर सोच सकते हो यार आपको 1.7 मिलियन का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसके बाद जो ट्रिक है यार वो मिदास स्वॉर्ड्स है, उसके लिए भी यार आपको डार्क ऑक्शन ही में जाना पड़ेगा। तो यार ये मिदास स्वॉर्ड वाला बहुत ही एफिशिएंट वर्क करता है और इसकी हेल्प से यार आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मिदास स्वॉर्ड से आप कैसे कर सकते हो, तो आपको यार वापस से डार्क ऑक्शन जाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि मिदास स्वॉर्ड पे कम से कम बिड लगे, या तो फिर आपको किसी और से बाय करना है। लाइक अगर आप सुबह में आते हो यार, मतलब कि 5 AM के करीब आते हो, तो यहाँ पर ओनली 90-100 से लो पीपल रहते हैं खेलने के लिए, तो यहाँ पर से चांस बना रहता है कि आपके स्वॉर्ड को कोई बिड, आपके मिदास स्वॉर्ड को कोई बिड ना कर सके। तो इससे क्या होता है, अगर आप एक स्वॉट 2 मिलियन का बैक करोगे तो आप लोग बोलोगे यार उससे फ़ायदा क्या है भाई हमारा, वो तो फिर यूजलेस हो जाएगा। तो उसका बहुत फ़ायदा है यार, आपको फिर ऑक्शन में आना है वो 2 मिलियन वाला स्वॉट ले गए, और मैं आपको ऑक्शन एजेंट पे लेके आके दिखाता हूँ। तो मिदास सर्च करते हैं यहाँ से, डन, और इसको लेके चलो वेपन्स पे, और एक बार ये चेक करो यार 2.2 का 15 मिलियन में सेल हो रहा है, 2 मिलियन प्राइस पेड है भाई, 15 मिलियन में सेल हो रहा है, 2 मिलियन प्राइस का 16 मिलियन में, ये देख लो भाई 1 मिलियन का और 16 मिलियन में सेल हो रहा है, लिटरली आप खुद ही देख लो यार इतना, मतलब कि यार इतना ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है भाई यार इस स्वॉट पे, देख सकते हो आप खुद ही। और यहाँ पर आप चाहो तो आप अपना प्राइस लो पे रख सकते हो, या तो फिर मैं आपको एक काम करता हूँ बिन हटा देता हूँ यार, बिन से क्या होता है कि ऑक्शन ओनली पे लेके चलते हैं। तो ये देख लो यार अभी नहीं, ये तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है इसका, इस ये भी स्टार्ट हुआ है अभी, ये देखो प्राइस पेड 53,000 और 20 बिड लग चुका है इस पे, और अभी इसका है प्राइस 3 मिलियन कॉइन्स, 50,000 से लिटरली 3 मिलियन कॉइन्स पे ये पहुँच रखा है, खुद ही चेक कर सकते हो यार। और ये अभी स्टार्ट हुआ है और ये भी चलता ही रहेगा आई थिंक सो, और इस पर कुछ खास नहीं है। तो मैं आपको दिखा, हाँ तो ये देख लो ये वाला स्वॉट 4 मिलियन का है, लेकिन 11 मिलियन जा चुका है इसका प्राइस। तो यार इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जब भी मिदास को लगाना तो ऑक्शन ओनली में लगाना, लाइक अगर आपने 1 मिलियन का बाय किया है तो आप ऑक्शन ओनली पे जा करके, ऑक्शन में जा करके 1 मिलियन का ऑक्शन लगाना, फिर उसमें जितना बिड आता है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, मतलब कि जितना मैं आपने बाय किया यार उतना आपको लेना ही लेना है हर तरीके से, उसके बाद जो लोग एक्स्ट्रा बिड करेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, और इसमें प्रॉफिट आपका 10 मिलियन 7 मिलियन 5 मिलियन बहुत अच्छा खासा हो सकता है। और अब जितना अगर आप यार स्वॉर्ड में थोड़ा इंचांटेड वगैरह कर दो, फुल मतलब कि यार इंचांट कर दो नॉर्मल वाले, मैं OFA की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इंचांट भी कर दोगे तो उससे भी यार प्राइस में फ़र्क पड़ता है, और 5 1 मिलियन और ज़्यादा भी आपको मिलने का चांस हो सकता है।
तो यार अभी तो मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। तो यार यहाँ पर अभी गेम शट डाउन हो चुका है, तो अभी मेरे को भी यहाँ पर से चलना पड़ेगा, क्योंकि यार वैसे भी मैंने आपको यार आज क्या सारी ट्रिक्स बता दी हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो यार वापस से जाके देख लेना, और अगर आप लोग यार मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।